शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिताली, क्या है? जिया और तेरा कोई झगड़ा हुआ है क्या? मेरा और जिया का झगड़ा क्यों होगा? अच्छा, दो हफ्ते में शादी हो रही है उसकी और तू इधर है। क्या? हाँ, जिया की शादी हो रही है दो हफ्ते में। किसने बोला तुझे? उसके पापा। उसके घर के बाहर से गुजर रहा था मैं तो मिले थे मुझे। बताया कि जिया दो हफ्ते में शादी करके उसके हस्बैंड के साथ बेंगलोर जा रही है MBA करने। ना तू बैंगलोर जाएगी वो ना ही मैं तेरी शादी आकाश के साथ होने दूंगी। मिताली, मिताली, तू इस प्लान के बारे में श्योर है ना? हाँ श्योर। तू ये बता कि तू जिया से शादी करेगा या नहीं? हाँ, वो मुझे अच्छी तो लगती है, लेकिन मिताली यार ये जेल नहीं जाना। कोई जेल नहीं जाएगा। मैं जिया को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती उस गधे से करवा रहे हैं। अगर जेल जाएंगे तो उसके घर वाले जाएंगे, समझा? चलो बेटा चलो। पापा यहाँ कितना लेट हो गया है पापा। कुछ नहीं बेटा। पापा कार कहाँ है? आती होगी बेटा। ए, मेरे बेटे को कार पापा। मिताली, तूने मुझे इस जिया को बेहोश करने के लिए क्यों कहा? वो मिताली सच सच बता, चक्कर क्या है? ये किडनैपिंग का प्लान इस जिया का था ना, तो ये बेहोश क्यों है? चुप हो जा, इतने सवाल जवाब मत कर, समझा? राहुल राहुल, तेरी शादी होने वाली है यार। पपी, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ देख किसके पास। और सुनना यार, तो खुशी मनाना, बाकी सब काम बाद में करते, समझा? अबे ये मेरे को इतनी भी पसंद नहीं है कि इसके लिए मैं जेल जाऊं। देख मिताली, अपन इसको वापस छोड़ के आते हैं, चल ना। जिया कहीं नहीं जाएगी, समझा? वो मेरे पास रहेगी हमेशा हमेशा के, ठीक है? इसलिए चुपचाप जो बोल रही हूँ ना वो करता। अरे क्या हो रहा है यहाँ? जिया? अरे ये जिया क्यों रहा है? हाँ, शादी के जोड़े में? अरे इसने दारू वारू पी रखी है क्या? चाची, चाची जिया और राहुल की शादी होने वाली है। राहुल, तुम किस घटिया लड़की के साथ शादी कर रहा है? नहीं माँ, मैं इसे से शादी नहीं कर रहा हूँ। अगर तूने इस घटिया लड़की के साथ शादी की ना तो तुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी, समझा? तो उसे यही लड़की पसंद आई तुझे दुनिया में? मिताली माँ, ए बुढ़िया, मेरी जिया ना घटिया है ना बदतमीज, वो दुनिया की सबसे सबसे अच्छी इंसान, समझी? मिताली देख, देख चाकू नीचे रख, चाकू नीचे रख, मैं तेरे साथ हूँ, तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा। देख पहले अपन माँ को डॉक्टर के पास लेके चलते मिताली, उसके बाद मैं जिया से भी शादी कर लूंगा। पहले तेरी और जिया की शादी होगी, बाकी ये सब काम बाद में। जिया हमारे घर में आ जाएगी और हमेशा उसके साथ रहूंगी। हम लोग बेस्ट फ्रेंड से मिलन भाभी बन जाएंगे यार। वो मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन तेरी और उसकी शादी पहले होगी, समझ गया ना? हाँ लेकिन मिताली माँ, अरे बाढ़ में गई तेरी मम्मी।
बचपन से लेके आज तक इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम करके रखा था। अरे पड़े रहने दे इसको दर्द में थोड़ी देर। लेकिन मिताली माँ, अच्छा अच्छा सुनो सुनो, तेरी मम्मी को यहाँ से हटा दे पहले, ठीक है? कमरे में डाल दे। हाँ, अब तेरी तेरी और जिया की शादी होनी है यहाँ, तो ये कमरा खाली चाहिए, ठीक है? चल चल इसको हटा दे। अच्छा हेलो इंस्पेक्टर, मेरी फियांसे को दो लोगों ने किडनैप कर लिया है, प्लीज कुछ कीजिए, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। इस बुढ़िया ने आधा नॉक में दम करके रखा था। अरे पंडित जी आइए ना, आइए ना। शादी का सब सामान लेकर आए ना? जी सब सामान लेके आए, लेकिन शादी किसकी करवानी? अरे ये तो नहीं, ये दुल्हन और ये हमारा दूल्हा। ऐसे गैर कानूनी शादी कराने के डबल पैसे लगेंगे। तीन गुने पैसे दूंगी ना पंडित जी। बेटी को बचा लीजिए सर। हेलो जी, यहाँ पे करती हूँ, मुझे आकाश के पास ले चलो। जिया जिया, अगर तुम सुन ना, अगर तुम मेरे भाई से शादी करेगी ना, तो हम हमेशा साथ में रहेंगे। लेकिन लेकिन अगर तुमने उस आकाश से शादी कर ली तो वो मुझे तुझसे दूर ले जाएगा। तो वो मुझे तुझसे दूर ले जाएगा? आकाश मुझे तुझसे दूर नहीं ले जाएगा मिताली, मैं खुद तुझसे दूर जाना चाहती हूँ। नफरत करती हूँ मैं तुझसे, नफरत। क्या कर रही है? हमसे मुझे नहीं करनी मेरे भाई के साथ शादी। अगर तू मेरे नहीं हो सकती मिताली, तो मैं तुझे किसी और के नहीं होने दूंगी। मिताली क्या कर रही है ये? मेरी बेटी को क्या हुआ? छोड़िए मुझे। मैंने कुछ नहीं। जी जी जिया, अगर जिया ने प्यार और दोस्ती को चुना होता, शायद वो बच जाती। सब 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 फिक्र है, मैंने क्यों किया है सब? पहले तो अपनी मेरी जिया की जिंदगी बर्बाद किया और अब उसे मार दिया। दोस्ती दिल से निभाई जाती है, जबरदस्ती नहीं। लेकिन तुम जैसे खुद कर इंसान कहां समझेंगे?
तेरे जैसे दोस्त से अच्छे तो दुश्मन ही है, वो ये सब तो नहीं करता ना। तुम्हें हमेशा जिया ने दोस्त से ज्यादा पैर मारा है और तुमने उसका खून कर दिया, खुद घर की लड़की। अंकल मैंने जिया को नहीं मारा, ये सब इस प्रायोरिटी हुआ करते थे, लेकिन तूने सब कुछ बदल डाला। किसने मारा है जिया को? किसने मारा है? अंकल तुझे जेल में भेजे। अंकल इसने मारा है जिया को। अंकल मेरी गलती नहीं है, इसे अरेस्ट किया। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा, इसने मारा है जिया को, मैंने कुछ नहीं किया। अंकल मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं तो बहुत अच्छी दोस्त हूँ उसकी, मैं थोड़ी मार सकती हूँ ना जिया को। ले चलो इसको। मैंने नहीं मारा, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। अंकल अंकल आकाश से मारा है मेरी बात, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।